दोस्तों अगर आप भी दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में भारत से मिली करारी हार के बाद घमंडी बेन स्टोक्स ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और यहां तक कि अश्विन पर लगाए इल्जाम। पिच का फोड़ा ठीकरा, आखिरकार घमंडी बेन स्टोक्स ने क्या कहा सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। और उन्होंने जो अंत में बात बोली है ना भारत के लिए, वो जाने बिना तो आप भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वो सुनने के बाद आप भी उनको सलाम करोगे। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोले बेन स्टोक्स वो तो वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और बेन स्टोक्स में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आखिरकार दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत की जीत का इंतजार बेसब्री से पूरा देश कर रहा था और आखिर चौथे दिन भारत यह मुकाबला 106 रन से जीतने में कामयाब रहा। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1-1 की बराबरी इस टेस्ट श्रृंखला में कर डाली है। वहीं हम आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जरूर किया था। हालांकि उनको भी यह पता नहीं था कि इंग्लैंड की टीम इतना करीब तक आ जाएगी। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि भारत ने 396 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, फिर जवाब में इंग्लैंड की टीम 253 रन बना पाने में ही कामयाब हुई, फिर भारत की टीम ने 255 रन बनाए और आज इंग्लैंड की टीम 292 रन बनाकर अपने 10 विकेट गंवाते ही इस मुकाबले को हार बैठी और भारत की टीम ने यह मुकाबला 106 रन से अपने नाम कर लिया। तो वहीं दोस्तों इस मैच में सबसे ज्यादा बोलबाला तो जसप्रीत बुमराह का रहा, जहां जसप्रीत बुमराह ने पहले पारी में 16 ओवर के भीतर ही 45 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे। तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ अब दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने मात्र 18 ओवर फेंके और 40 रन देकर 3 विकेट लिए। और दोस्तों इस पूरे ही मैच में देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट के हर एक खिलाड़ी का बेहद ही योगदान रहा। हालांकि कुछ खिलाड़ी जैसे कि श्रेयस अय्यर और मुकेश कुमार को हटा दिया जाए तो इनके अलावा सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन दोस्तों इस मैच में बेन स्टोक्स का कहना कुछ और ही है। उन्होंने तो भारतीय टीम पर ही इल्जाम लगाते हुए कह डाला है कि टीम इंडिया यहाँ पिच का सहारा लेकर जीत रही है, ना कि अपने दम पर। तो दोस्तों यहाँ पर आखिरकार मैच समाप्त हो जाने के बाद जब बेन स्टोक्स को बुलाया गया तो वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए। इस बीच उन्होंने सबसे पहला निशाना तो जसप्रीत बुमराह पर दागा और वो कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह की गेंदे न जाने हवा में कैसे लहरा रही है और गेंद बिल्कुल स्ट्रेट आती है, लेकिन इस पिच पर जिस तरह के गड्ढे भारत ने बना रखे हैं उनसे उन्हीं के गेंदबाजों को मदद मिल रही है। उनको पता है कि उनको किस लेंथ पर और कहां गेंदबाजी करवानी है, उनके पास पूरी पिच की रिपोर्ट है जिसका वो फायदा लगातार उठाते चले जा रहे हैं। हमारी टीम तो बस इसी भरोसे चल रही है कि हम अच्छे बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सके, वरना भारत की टीम तो अब हमें ऐसा लगने लगा है कि बेईमानी पर उतर आई है। तो वहीं दोस्तों फिर आगे बेन स्टोक्स कहते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा को कोई भी निर्णय लेना होता है तभी उससे पहले एम्पायर फैसला सुना देते हैं कि भैया हमारा खिलाड़ी तो आउट है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर एम्पायर फेयर रहे तो हम शायद यह मुकाबला आसानी से जीत भी सकते थे और यहां एम्पायरों की भी मिलीभगत भारत की टीम के साथ है। तो वहीं दोस्तों आगे फिर बेन स्टोक्स कहते हैं कि भारत की टीम मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय टीम को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, उनको बेईमानी का सहारा लेना नहीं चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि भारत ने बेईमानी की है और तभी वो मुकाबला जीते हैं, वो हमसे अच्छी टीम और मुकाबला जीतने के भी प्रबल दावेदार हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि अगर यह पिच थोड़ी और सपाट बनाई जाती तो शायद हमें भी थोड़ी बहुत मदद मिलती। भारत ने अपने हिसाब से पिच बनाई और अपने हिसाब से बल्लेबाजों को चुना और उनको पहले से ही पता रहता है कि इस पिच पर कैसी हरकत हो सकती है गेंद से और उसी हिसाब से वो अपने तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाजों को एडजस्ट करते हैं, बल्कि हमें कोई ऐसी रिपोर्ट दी नहीं जाती और इसीलिए हम लगातार मुकाबले भारत में अब हारेंगे क्योंकि भारत की टीम तो अब हमें हराने के पीछे पड़ी चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर बेन स्टोक्स ने ऐसा बयान देकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को भड़का तो दिया है, लेकिन जो उन्होंने भारत के लिए बोला कि भारत मजबूत टीम है और भारत को हम हरा नहीं सकते, वह बात सभी के दिलों को छू गई। बाकी अब आप क्या मानते हैं कि बेन स्टोक्स ने जो कहा है वो सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।